प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नवरात्रि के 9 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 दिनों में माता की विभिन्न रूपों की पूजा होती है। आमतौर पर बिहार में सभी जगह वैष्णवी विधि से मां भगवती की पूजा अर्चना होती है, लेकिन बिहार के दरभंगा जिले के सैद नगर स्थित काली मंदिर में तांत्रिक विधि से पूजा होती है। तांत्रिक विधि से पूजा करने यहाँ देशों और विदेश से भी साधक आते हैं। वैसे जहाँ जहाँ माँ भगवती की शक्ति उपासक केंद्र है, उन सभी जगहों पर उपासक अपनी तांत्रिक विधि से उपासना करते हैं। पड़ोसी देश नेपाल और बिहार से सटे राज्य जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग तांत्रिक से लेकर उपासक होते हैं, जो कि अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद 9 दिन तक कठोर साधना कर अपनी उपासना करते हैं। आने वाले साधकों के रहने की सारी व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से होती है। नवरात्र में पूजा पाठ के दौरान आमतौर पर लोग मांसाहारी भोजन से कोसों दूर रहते हैं, लेकिन इस जगह पर नवरात्रि में माँ काली को 3 दिनों तक मांसाहारी का भोग लगाया जाता है। यह अपने आप में एक अलग आस्था मानी जाती है। यहाँ के पंडित बताते हैं कि यहाँ माता को पशु की बलि चढ़ाई जाती है और उसी का भोग भी लगाया जाता है। बहरहाल सैफ नगर दुर्गा पूजा की स्थापना 1972 में की गई थी, तब से निरंतर यहाँ पर भव्य पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन इस वक्त 50वीं वर्षगांठ पर यहाँ कुछ खास हो रहा है। इसको लेकर काफी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि पूरा पूजा पंडाल रोशनी से सराबोर दिखे। वहीं मंदिर के बगल में तालाब को भी रोशनी से पूरी तरह चाक चौवन कर दिया जाएगा। आमतौर पर माँ दुर्गा को सिंह पर ही सवार देखते होंगे, लेकिन इस बार यहाँ पूजा समितियों के द्वारा माता की मूर्ति को कुछ विशेष आकार दिया जा रहा है। इस कारण यहाँ पर माँ की मूर्ति रथ पर सवार दिखेगी। माँ जिस रथ पर सवार रहेंगी, उस रथ को 2 शेर खींचते दिखेंगे और उनका लगाम माँ दुर्गा के हाथों में होगा। इस तरह की मूर्ति भक्तों को आकर्षित करने के लिए भी बनाई जा रही है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।